नदी है, जब गंगा बहती रहूं कौन किस प्रकार से पाप हरण हो। तो उन्होंने कहा संतों के चरण आश्रमों के साथ साथ जब संतों के चरण आपके अंदर पड़ेंगे तो पाप अपने आप समाप्त होने लगेगा। तो उसी प्रकार से जब संतों के दर्शन होते हैं उनका प्रभाव तेज इतना होता है जीव का सब कुछ बदलने लगता है। कितना भी छोटा जीव हो, चाहे मानव योनि के अंदर हो या ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो, अगर वो संतों के आसपास रहता है तो उस एनर्जी को महसूस करता है, चाहे वो पक्षी हो कुछ भी हो, क्योंकि उसके अंदर जो सत्ता होती है वो आपस में तालमेल करती है। उसके अंदर जो आत्माएं होती हैं वो प्रभाव करती हैं। उसके अंदर जो ताकत होती है वो एक होती है दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा साइंस खोजता रहता है लेकिन उस तत्वों तक नहीं पहुंच पाया। पहले अणु तक पहुंच गया, अणु को तोड़ करके परमाणु तक पहुंच गया, परमाणु को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक पहुंच गया। उसको तोड़ करके, तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है उन चीजों को, बहुत लोग पढ़े लिखे बैठे होंगे वो समझ सकते हैं कि सूर्य के अंदर तो कितना लोग छटपटाने लगते हैं, 1.5 करोड़ डिग्री कितना तापमान होगा। लेकिन उन चीजों को तोड़ने के लिए, उसको तोड़ने के लिए 2 करोड़ डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तब वो टूटता टूट के क्वार्ट्स बन जाता है और वो फिर। लेकिन ये वही पूरा नहीं हुआ, साइंस हमारा यहीं तक पहुंचा है। जब इसको तोड़ने के लिए 5 करोड़ डिग्री टेम्परेचर तैयार किया जाएगा, वो मशीनें डेवलप की जाएंगी, उसी प्रकार से उसको तोड़ा जाएगा, फिर उसके भी लाखों टुकड़े हो जाएंगे और फिर कि ये जो अणु है ये श्रेष्ठ है, इससे आगे सृष्टि नहीं है और यही सृष्टि का कारण है। लेकिन जितनी हमारी खोज होगी, जितना साइंस खोजेगा, जितना गहराई तक जाएगा, रहस्य उतना गहरा होता जाएगा। लेकिन वो तत्व अनंत है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो पाया है, जो हमारे योगियों ने संतों ने पाया है, किसी भी रास्ते से गए हों, कैसे भी पहुंचे हों, कितने भी नाम रखे हों उस परमात्मा के, लेकिन सब के सब नाम उसी एक के हैं। किसी भी संत महात्मा ने ये नहीं बोला कि मैं चला जाऊंगा और मेरे जाने के बाद मेरी मूर्तियों की, मैं बार बार बोलता हूँ साधना करो, प्राप्ति करनी है तो साधना करो, परमात्मा चाहिए नहीं कहूंगा मैं तो, और क्या कहूंगा। एक ने आकर के मुझे कहा कि जी मैं गाना ले लूं, के अंदर इतनी ताकत है, कृष्णा के अंदर इतनी ताकत है, हम कौन होते हैं उसको लेने वाले, और हमारे अंदर इतनी ताकत कहाँ है कि जब मर्जी उसको ले ले और जब मर्जी छोड़ दे। ये बड़े आश्चर्य की बात होती है। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, हमारी तो आज भी इतनी औकात नहीं खाना के हाथ भी लगा दे, जब तक टूटना तो बहुत बड़ी बात है कि जी अब क्या करें उसका। कि मैंने कहा ये तो आप देखो, मैंने तो ना दिया उनको, ना मैंने लिया उनको, ना इस प्रकार से हम खेल खेलते हैं, होते हैं ना मिलते हैं ना खोते हैं, जो आप सबके अंदर होते हैं, क्योंकि वो कभी समाप्त नहीं होते, वो अमर होते हैं, क्योंकि अमर शब्द भी शब्दों के अंदर बांध दिया गया, कि समय के अंदर बांध दिया गया, समय उनके अधीन होता है, समय उनके पैर के नीचे नाचता रहता है, इतनी ताकत होगी उसके अंदर। कहता रहता हूँ ध्यान करो आप संसार के अंदर डोलते रहते हो, आप संसार में भागते रहते हो, मैं समझाता हूँ बार बार कि नहीं ये रास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे अनुभव है परमात्मा ने जो मुझे रास्ता दिखाया, हम वहीं से गुजर करके आए हैं जहां आप भाग रहे हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जितना संग्रह सामने किया, जितनी दौड़ भाग हमने की, जितना प्रयास हमने किया, जितना समय हमने गवाया, जब एहसास हो और मार्ग दिखाने वाला हो, हाथ पकड़ करके ले जाने वाला हो, फिर भी भाग भाग
नहा करके कोई कुएं में अपने वो निकालता रहे, फिर पूछ रहे, फिर निकालता रहे, रास्ता दिखाए, रास्ते पर नहीं चले। मैं बोलूँ इधर जाओ, उधर नहीं दूसरी तरफ। मैं बोलूँ ये करो, वो नहीं दूसरी तरफ। गुरु की चाल नहीं समझते, क्योंकि गुरु की चाल अटपटी होती है, बोले भले जीवों की पकड़ में नहीं आती। वो सोचते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं, कोई ध्यान से कैसे परमात्मा ने तो सब कुछ छोड़ दो। उन्होंने कहा जी का नाम ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ नाम भी छोड़ दो। वो बड़े अजीब से सवाल और अजीब की नजरों से देखते हैं कि इसको कुछ पता भी है, ऐसे ही बोल रहा है। उस बाबा जी ने तो बोला था नाम रखने से कल्याण होगा, और ये बोल रहे हैं कि नाम छोड़ दो। मेरे गुरु जो कहते हैं राधे राधे रखो, राधे के बिना कल्याण नहीं है, ये बोल रहे हैं उनको भी छोड़ दो। तो क्या सच है क्या झूठ है, ये तो समय ही बताएगा, ये तो साधना ही बताएगी। ये तो आने वाले को लगाते रहते हैं, लोग सोचते रहते हैं। आप सब लोगों के मन में सवाल आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, बहुत प्रसन्न लोग भी आते हैं। चाहिए हम नाम तक छोड़ देते हैं कि नाम नहीं, मैं नहीं रटता, क्यों नहीं रटते, फिर हम उसी के अंदर फंस जाते हैं। मैं बार बार समझाता हूँ। देखिए महिला एक खुशी के साथ, एक उमंग के साथ गोविंद धाम में दिवाली मनाते हुए, खुशी का इजहार करते हुए सभी महिलाएं डांस के साथ